डीडी पोस्ट करने के नाम पर छात्र छात्राओं से की गई ठगी, शोषण करने का भी आरोप है। साथ ही नौकरी का झांसा देकर प्रत्येक छात्र छात्राओं से वसूले 9,000 रुपए। आरोप है कि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए बच्चों के साथ किया जा रहा है हर तरीके से शोषण। INREM कंपनी के माध्यम से बच्चों की भर्ती की गई थी। बच्चों द्वारा रुपए मांगने पर अभद्र भाषा के साथ कहीं भी शिकायत करने की धमकी दी जा रही है। 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने राठ विधायक मनीषा अनुरागी से शिकायत कर रुपए वापस कराने और कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमीरपुर जनपद में जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत GDA यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स कराने के नाम पर बच्चों से ठगी करने का मामला सामने आया। बच्चों ने आरोप लगाते हुए बताया कि नौकरी का झांसा देकर 2 दर्जन से अधिक प्रत्येक छात्र छात्रा से 9,000 रुपए वसूले गए हैं। पूरा मामला रात कोतवाली क्षेत्र के जगतराज महाविद्यालय का बताया जा रहा है, जहां बच्चों को INREM नाम की कंपनी में भर्ती करके बच्चों को नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद आदि शहरों में ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। आरोप है कि ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल में बच्चे गए, बच्चों को ट्रेनिंग न देकर उनका हर तरीके से शोषण किया जा रहा है और उनसे कई गंदे काम भी करवाए जा रहे हैं, जिससे ठगी महसूस करते हुए छात्र छात्राओं ने घर वापस लौटकर आए। जगतराज महाविद्यालय राठ के छात्र छात्राओं में हेमलता, रिया, अनिल कुमार, रोशनी राजपूत, निखिल प्रकाश, हेमराज, गीता, जय देवी, रोली, प्रिंसी, हरिमोहन आदि छात्राओं ने आरोप लगाया कि रुपए वापस मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है, साथ ही शिकायत करने की धमकी दी जा रही है। छात्राओं ने राठ विधायक मनीषा अनुरागी से शिकायत कर रुपए वापस कराने और जांच कराने सहित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। संवाददाता सुनील धुरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गीता। अच्छा, विधायक को ज्ञापन दिया तो क्या समस्या? समस्या यही है कि मतलब हम लोगों को GDA का कोर्स कराया 3 महीने तक। पहले तो बोल रहे थे यही पे रहने होगी, पर फिर बाहर भेज दिया। पहले पैसे नहीं मांग रहे थे, बाद में उन लोगों ने पैसे मांगे 9,000 रुपये। बाहर भेजा, अलग अलग जगह भेजा, और किसी किसी के तो आधार कार्ड और जो कागज होते वो जब्त कर लिए। और किसने जब्त कर लिए? वो मैम लोगों ने, जो बाहर जो मैम रहती है उन लोगों ने। कौन कौन से कागज जब्त किए? वो आधार कार्ड आया जाती है बाहर, पासपोर्ट वगैरह, और जी पैन कार्ड वगैरह, और मार्कशीट, मार्कशीट वगैरह जी सारे जब्त कर दिए। तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो नहीं दे रहे। और जब हम लोगों ने पैसों की मांग की कि हमारे पैसे दो, तो वो लोग ना धमकी दे रहे हैं कि इससे केस दर्ज कर देंगे। कौन मैम कौन है धमकी दे रही? ज्योति मैम और सबीना मैम है और रमन सर है। ये कहाँ पे हैं? जगतराज महाविद्यालय राठ। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे पैसे वापस कर दें। मेरा नाम रानी राजपूत है, मेरा खाना की रहने वाली। अच्छा, विधायक जी को आपने ज्ञापन दिया तो क्या समस्या है? ये समस्या है कि पहले हमें जगतराज कॉलेज में इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा GDA का कोर्स किया था, तब हमने लोगों को जमा करी थी तो 1,300 रुपये नहीं लगे, उसके बाद कहने लगे 9,000 रुपये लगे, तो हमने 9,000 रुपये दे भी दिए। उसके बाद 2 महीने यहाँ कोर्स कराया GDA का, GDA बाद में बाहर मतलब अलग अलग कराए, काफ़ी लोगों को ग्रुप बना के बाहर भेज दिया। हमको फरीदाबाद में भेजा था, वहाँ पर जो हमने यहाँ पर कॉलेज में जो काम बता रहे थे वहाँ पर वो काम मिल रहा है। मतलब हॉस्पिटल में दिल्ली में हमें जब मिली 7 हफ्ते, 1 हफ्ते बाद मिली थी, तो वहाँ पर हमने अगले 4-5 महीने और जब लाख में सर को 4,000 में सब काम कराते थे, जो यहाँ पे बताया था वो सब काम नहीं कराते थे। तो हमारी समस्या ये है, हमारे साथ चलो सर से 10,000 रुपये कम लो, कुछ नहीं कर लिया। क्या नाम है? हेमराज। अच्छा, जो विधायक को ज्ञापन दिया तो क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमने GDA को जगतराज महाविद्यालय कॉलेज से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स किया था, जिसमें मेरे पास 3 महीने पहले रमन सर की कॉल आई थी। वो कहे थे कि आ जाइए आपके, मेरी उम्र 17.5 साल है, लेकिन वो कहे थे हाँ ये आप मुझे 9,000 रुपये दे दिए और कह रहे थे हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब वहाँ बच्चों को 2 महीने का कोर्स करने के बाद बच्चों को नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद वहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ बच्चों को गंदा गंदा काम कराया जाता है, जिसमें लैट्रिन साफ़ कराना और कई मकान साफ़ कराना, कुछ AC साफ़ कराना, मतलब कई गंदे, और लड़कियों के काम करते समय सेल्फी भी मिल जाती है वहाँ पर, और बच्चों की शिकायत मिल जाए लड़कियों के मना करने पर वहाँ का स्टाफ उन्हें गंदे गंदे शब्द और वहाँ पर गंदे गंदे शब्द और वहाँ पर धमकियाँ भी दी जाती हैं। इससे आज बच्चों ने ये निर्णय लिया कि राठ विधायक अनुरागी जी को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो हमारे 9,000 रुपये वापस उन्होंने लिए हैं वो हमारे रुपये वापस मिल जाएँ। तो आपने मांगा नहीं मैडम से? मैडम से हमने मांगा था, लेकिन वो फोन पे हमें बैंक बैंक धमकियाँ देते कह रहे थे कि जो कुछ तुम्हें करना हो तो तुम कर लो, हम आपके पैसे वापस नहीं देंगे।
अच्छा, जो कंपनी में गए थे तो वहाँ क्या डॉक्यूमेंट लगे थे? वहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो मैं तो नहीं गया था, लेकिन मेरे को साथ थे वो, मुझे पता रहे, वो गए थे, उन्हें देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, कई अन्य चीज़ें वहाँ पे, वो ओरिजिनल कॉपी उन्होंने जमा करने को देने से मना कर रहे हैं। आज विधायक जी को ज्ञापन दिया है तो क्या समस्या? जी हमारी समस्या जी कि हमने जो DDA कोर्स किया था उसमें हमसे डस्टबिन कराई जाती है और अनेक प्रकार के गंदे काम करवाए जाते हैं। हमको ये चाहिए कि हमारा रुपया पैसा वापस मिल जाए और जो लोग थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने जमा कर लिए हैं ओरिजिनल, जो बच्चे गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएँ, उनका पैसा वापस कर दिया जाए। लेकिन स्कूल वालों ने जमा किया है कि कंपनी वालों ने? जी कंपनी वालों ने जमा कर लिया और अस्पताल वालों ने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल हाई स्कूल की इंटर की मार्कशीट है, हाई स्कूल की है और पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट्स उनके जमा कर लिए, पासबुक भी जमा कर लिए और वो मांगने पर दे भी नहीं रहे हैं। तो किन के माध्यम से भेजा गया था बाहर? जी यहाँ पे लविंदर सर और ज्योति मैम के माध्यम से यहाँ से भेजा गया था, इनके संपर्क में भेजा गया था, लेकिन इनकी देखरेख में कोई बच्चा था तो था, लेकिन इन्होंने कोई वो नहीं किया, चयन नहीं किया और ना ये भेजने का ही कोई। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो बच्चों के पैसे लगे हैं उनका पैसा वापस कर दिया जाए और जो हम पैसा मांगने जाते हैं तो ये लोग उल्टी धमकी देते हैं कि आप जाइए जहाँ शिकायत करना हो कीजिए, हम पैसे नहीं देंगे। कौन कहता है? आपको जो करना हो तो कर लीजिए। कौन दे रहा धमकी? ये ज्योति मैम दे रही थी। किस विद्यालय का मामला है? ये विद्यालय जगत राज महाविद्यालय का मामला है। राट का? जी राट का है। क्या नाम है आपका? नाम हरिमोहन।